दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद जो है हमें झरने की जो आवाज़ है, जो आहट है झरने की, वो अब सुनाई पड़ने लगी है कि हम लोग कहीं ना कहीं अब वो तेरी की क्या है ये भाई साहब, अजूबे से कम नहीं है झरना। जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ आए थे उससे लाख गुना। दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ से दो रास्ते, दो भाग में एक रास्ता पड़ता है, जिसे कि जैसे हम लोग ये देखिए इधर से रास्ता है और ये रास्ते, इस रास्ते को चूज़ करते हुए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे कि ये जो झरना है वो जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच है। और इससे पहले हम लोग आए थे, लेकिन इससे पहले जो झरना था वो इससे हटके था, जो कि अमरासनी झरने के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस झरने पे अभी हम लोग जा रहे हैं वो बिजुरिया झरने के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग आते हैं तो देख सकते हैं इस रास्ते का चुनाव करते हुए आप लोग आएँ, और यहाँ अगर आते हैं, अगर कोई लोग मिले आपसे तो उनसे इस बात से ज़रूर पूछ लें कि आखिर वो झरना कहाँ है, बिजुरिया झरना और अमरासनी झरना, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के झरने हैं। फिलहाल जो है अभी हम लोग जा रहे हैं बिजुरिया झरने पे, तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है और क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग अपने सफ़र में चलते जा रहे हैं, और कितनी दूर आए इसका अंदाज़ा तो खैर हमें भी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं चलते जा रहे हैं हम लोग और इस पहाड़ के पीछे ये झरना मौजूद है। पहाड़ को पार कर चुके हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ को हमने ज़मीनों ज़मीन पार कर लिया है। और इस पहाड़ के पीछे आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए पीछे भी पहाड़ी पहाड़ फिलहाल जो है यहाँ आपको नज़र आएगा, और बाकी कई पहाड़, एक से दो पहाड़ पार करने के बाद ये झरना मौजूद है। और काफ़ी जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र में अभी कभी काफ़ी कुछ बाकी है जहाँ देखना है और उस मंजिल तक पहुँचना है जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा सफ़र है। और ग्रुप में काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं जो आगे आगे जा रहे हैं काफ़ी लोग हम लोग के साथ में मौजूद हैं और इस सफ़र में हम लोग के साथ हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे भी क्या कुछ मिलता है, क्योंकि इस पहाड़ को देख के देखिए लगता है बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, या और इस तरह का पहाड़ यहाँ पर देखने को पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब हम लोग इस जंगल के अंदर इतनी गहराई तक जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग गए थे उस हाहाकुंड झरने पे, जो जिसका कि वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, जिसका कि ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी कुछ वहाँ लोगों से शेयर किया था हम लोगों ने। तो आज उसके बाद काफ़ी सालों बाद जो हम लोग हैं वो अब अमरासनी झरने के तरफ, अमरासनी गाँव में स्थित एक बिजुरिया झरना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उस आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है अपने इस सफर में। तो देख सकते हैं हम लोग और हमारी टीम जो है इस वक्त लगातार जंगल के बीचों बीच चलती जा रही है। फिलहाल झरने का अता पता अभी तक नहीं चल सका हमें कि आखिर कहाँ है वो बिजुरिया झरना जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद है कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं और सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सही पहाड़ है ये तो पहुँचने के बाद ही चलेगा पता, या फिर सफ़र में विराम लग जाएगा, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है इस सफ़र में। जंगल से निकलने के लिए हमारे एक साथी ने यहाँ पे एक निशान बनाया है कि हम लोग, ये देखिए कि हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से हम लोग को इस तरफ से, हम लोग आए थे तो इस तरफ से होते हुए हम लोग निकलेंगे। और एक साथी ने और तरीके से बताने के लिए एक पत्थर रखा है यहाँ पे, और इससे हम ये पता लग सके कि हम लोग को यहाँ से निकलना है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और बता दूँ, इस जंगल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि झरने तक तो हम लोग जा रहे हैं,
लेकिन झरने का स्रोत क्या हुआ कि आखिर कहाँ से पानी आ रहा होगा, इस बात का जो पता लगाने के लिए सबसे अच्छा सटीक उदाहरण ये है कि देखिए जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं ये पत्थर है और बिल्कुल साफ है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि पानी का बहाव कहीं ना कहीं यहाँ से होता था। जब अधिक पानी आता है तो इसका बहाव यहाँ से होता है। तो इसी को लेके हम इस रास्ते का सफ़र चुनाव करते हुए हम इसी रास्ते से अब हम देखिए पूरी टीम जो है हमारी वो अब इस रास्ते से चलेंगे। तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पे दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव किया और हम लोग इधर से होते हुए आगे जाएंगे। जो राजा था उसने निशान लगाने के लिए यहाँ पे एक पत्थर लगाया है देखने के लिए कि जो जो चीज़ें जो रास्ता है वो इधर से होता हुआ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और एक और चीज़ सफ़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कई साल पहले हमारे हाथों में हुआ करती थी और हम लोग उस पर लिखा करते थे, सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है स्लेटें। तो स्लेटों का निर्माण था वो इस जंगल से निर्माण उद्योग हुआ करता था कभी और वो चीज़ आपको मेरे पीछे देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पूरा स्लेट का पहाड़ है जिस पे कभी हम लोग चौक से लिखा करते थे पढ़ा करते थे और ये पहाड़ हमें इस जंगल में देखने को मिला। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, प्रकृति में ये चीज़ भी शामिल है जो कि हमें आए दिन दिख जाता है। चलिए चलते हैं आगे के सफ़र में और आगे के रास्ते का चुनाव करते हुए इस रास्ते का चुनाव करते हुए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। जंगल के बीचों बीच हमें कुछ पानी का स्रोत देखने को मिला है। शायद इससे देखकर ये अंदाज़ा होता है कि जो झरना है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते में है। तो इसी रास्ते की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं वहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं हम झरने तक क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि पानी का जो स्रोत है वो अब हमें मिल चुका है। तो इससे ये तो साबित होता है कि झरना है कहीं ना कहीं इसी सफ़र में है, इसी रास्ते में है और इसी रास्ते के बीच में, क्योंकि पानी देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें पानी का बहाव भी देखने को मिल रहा है। और कम से कम ये तो कन्फर्म हो गए हैं हम लोग कि ये पानी झरना यहीं पर है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग शायद बिल्कुल ही नज़दीक में हैं जहाँ हम लोग जाने वाले थे और कुछ लोग आगे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। हाँ जगह नहीं बन रहा, झरना तो है और बहुत बड़ा झरना, छोटा नहीं है। आइए कैसे आ जाओ, अकेला मत रहो पीछे। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद जो है हमें झरने की जो आवाज़ है, जो आहट है झरने की, वो अब सुनाई पड़ने लगी है कि हम लोग कहीं ना कहीं अब बिल्कुल ही करीब है उसके। और देखिए किस तरह का माहौल है यहाँ पर। झरना जो है हम लोग पहुँच चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था, जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यहाँ वो झरना है जो हमें देखने को मिला। और देखिए मेरे पीछे ये देखिए यही वो झरना है जिसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और हम लोग पहाड़ों पे होते हुए अब नीचे की ओर आएंगे और देखिए यही वो झरना है जिसका जिक्र काफ़ी दिन से कर रहे थे। काफ़ी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे यहाँ आने की और आखिरकार हम लोग यहाँ पहुँचे। और देखिए पूरी टीम हमारे साथ है जो इस झरने तक आई है। बता दें ये झरना तकरीबन जो मैंने रास्ते में गिना तकरीबन 3 से 4 पहाड़ पार करने के बाद ये झरना हमें दिखता है। और तो आगे जाते हैं, आगे भी देखते हैं कि आगे कैसा माहौल है, क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि झरना काफ़ी जंगल के अंदर का है और इसलिए हम लोग आए थे वो चीज़ को देखने। पहाड़ से पहुंचने के बाद हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, क्योंकि वो नीचे का स्रोत था और यहाँ आने के बाद हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे भी वो झरना है जहाँ हम लोग आए थे। ये देखिए
ऊपर जाने पर पूरा पहाड़ है, यहाँ से पानी आता है, ये नीचे का स्रोत है। चलिए ये देखिए, ये झरना है और ऊपर जाने पर भी यार पानी उठा था, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं ऊपर क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जाने का रास्ता चढ़ जाएगा है? अब है थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ऊपर भी क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर दर्शक जो है हम लोग से पूछते हैं कि झरना कहाँ से आता है और क्या कुछ ऊपर देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ऊपर भी देखते हैं क्या है वहाँ। अरे वाकई ठीक, जंगल में इस तरह का दृश्य काफ़ी कम देखने को मिलता है हमें, क्योंकि ये देखिए देखते हैं झरने के काफ़ी, ये देखिए झरने की काफ़ी ऊंचाई तक हम लोग आ चुके हैं और नीचे देखेंगे मेरे तो देखिए नीचे भी आपको पानी और जमा हुआ पानी देखने को मिलेगा। जमा हुआ पानी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये लगातार बहने वाला पानी है। और इधर से होते हुए हम लोग अब ऊपर पहुंचेंगे और देखते हैं ऊपर क्या कुछ देखने को मिलता। ओ तेरी की, क्या है ये भाई साहब, गजब का यार, इस तरह का झरना पहली बार देखने को मिला है लाइफ में, पहली बार जिंदगी में पहली बार इस तरह का झरना हमें देखने को मिला है। वाकई किसी अजूबे से कम नहीं ये झरना, जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ आए थे उससे लाख गुना या कहीं कई गुना। और ये देखिए सबसे जो अच्छी बात है, पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर दिखता है और नीचे ये झरना बहता है, नीचे ये झरना गुफा की तरह बनाया गया है। कोशिश करेंगे फिर से एक बार आने की हम लोग, क्योंकि और ऊपर जाइएगा ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा और ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो पाता है, यहाँ नहाने कोशिश करते हैं और यहाँ से नहाने के बाद अपने घर को लौटेंगे और मौका मिलेगा तो हम ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से अब थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या माहौल है, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग अब ऊपर हैं और तकरीबन हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं और इस ऊंचाई में पहुँचने के बाद देखेंगे कि ऊपर का क्या माहौल है। नीचे हम लोग थे और वो झरना हमें दिखता था जिसकी तारीफ हम कर रहे थे, और यहाँ आने के बाद काफ़ी लंबा है तो जंगल का इलाका है, आगे जाना सेफ नहीं होगा। भी जहाँ तक हम लोग आना चाहते थे वहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ वाकई देख के बहुत ही बेहतरीन लगा झरना। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे नहाते हैं और नहाने के बाद यहाँ से अपने घर के लिए रवाना होंगे। तो वाकई ये जो झरना है जिसे जुड़िया झरना के नाम से जाना जाता है, काफ़ी पहाड़ों के बीच में है और बिल्कुल नीचे जो पानी के कटाव से जो मुंह बना है इसका, उसे देख लग रहा है कि ये गुफा है और गुफा के पीछे से पानी का बहाव होता है जो नीचे की ओर पानी का बहाव चलता रहता है। तो चलिए फिलहाल जो है इस झरने में नहाने के बाद अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया, आपको बता दें ये जो तालाब छोटा सा बना हुआ है ये तकरीबन इसमें 5 से 5.5 फीट के हाइट तक का पानी है इसके अंदर, तो डूबने की कोई भी
ऐसी बात नहीं है कि यहाँ डूब सकते हैं। तो अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो झरना है वो काफ़ी जंगलों के बीचों बीच ये झरना है, और काफ़ी कहा जाए तो कम से कम 5वें 7वें झरने पर आने के बाद हम लोग देख सकते हैं, नीचे से काफ़ी ऊंचाई पर आने के बाद हम लोग अब नीचे की ओर जा रहे हैं। और ये झरना वाकई काफ़ी बेहतरीन था, जैसा कि हम लोग श्रृंग ऋषि में घूमने गए थे और तो उसी तरह का झरना यहाँ पे हमें देखने को मिला। और पानी का भी जो बहाव था, न्यूनतम पानी का बहाव था, और काफ़ी पानी जो था वो काफ़ी साफ था। ऐसे कहा जाए तो पानी में बिल्कुल पारदर्शिता देखने को यहाँ मिल सकती है। तो फिलहाल जो है मैं अपने इस ब्लॉग को यही विराम दूंगा। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहें, जब भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ आएँ, क्योंकि ये झरना जो है काफ़ी जंगलों के बीच में है और लगातार यहाँ पे जंगली जानवर जैसे लोग जंगली जानवरों का आना यहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि वो पानी पीने आते हैं और पानी वाले स्थान में जानवरों का निरंतर आना लगा रहता है। तो आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बोर्ड। न्यूज़ बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अपडेट में, आने वाली वीडियोस में हम आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बोर्ड। तो फिलहाल जो है हम लोग अब नीचे की ओर आ चुके हैं और झरने से काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं। तो कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो आने के क्रम में हमें ऐसा लग रहा था कि अंदर काफ़ी डरावना माहौल है, बीच में हमारे पांव थम गए थे और हमें लग रहा था कि शायद अब हम आगे ना जा पाएं, क्योंकि जंगल का इलाका था और काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था, घनघोर जंगल था ये। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया और हिम्मत करने के पश्चात उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और जिस मुकाम तक हम लोग जाने वाले थे उस मुकाम तक हम लोग पहुँचे। और अब हम लोग जब पहुँचे वहाँ पर, तो ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद ऊपर ना जाया जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो माहौल था वहाँ का, वाकई पहली बार देखने को मिला इस तरह का माहौल कि जंगल में बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, झरने का पानी ठहरा हुआ था वहाँ पर, और तकरीबन गहराई जो थी उस छोटे से तालाब की तकरीबन 5 से 5.5 फीट की थी। और थोड़ा सा हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और 4:30 बजे से ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोग का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आएँ तो फुल फुटेज के साथ आएँ, कैसे आप लोग पहुँचेंगे यहाँ तक, क्या रास्ता रहेगा और कौन कौन से ऑप्शन होंगे आपके पास कि आप यहाँ तक पहुँच सकें। तो इस जंगल के बीचों बीच आना और यहाँ आके झरने का सैर करना वाकई एक रोमांच से कम नहीं था, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। मैं आपको बता दूँ, इस झरने के पास एक और झरना है जिसका नाम है अमरासनी झरना है, और ये अमरासनी झरना भी इसी झरने के बिल्कुल ही सटे हुए है, बिल्कुल ही करीब में है, वही कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मौका मिलेगा तो ज़रूर हम आपको उस अमरासनी झरने तक ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा माहौल है, वो झरना कैसे दिखता है। वैसे मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूँ उस झरने के बारे में कि वो जो झरना है वहाँ पे तकरीबन स्टेप बाय स्टेप झरना बना हुआ है, और इसके ही थोड़ा सा आगे पैसरा जंगल पड़ता है, उस पैसरा जंगल के पास भी झरना है। यानी लगातार यहाँ पे आपको 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 झरने देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे और भी झरने हो जिसके हमें पता नहीं, लेकिन हमारी नज़र में फ़िलहाल जो है यहाँ पे 3 झरने शामिल हैं, एक पैसरा का जंगल, दूसरा अमरासनी झरना और तीसरा जहाँ हम लोग पहुँचे थे ये था बिजुरिया झरना। तो फिलहाल जो है अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं और उसी जंगल के रास्ते, उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग आए थे, बीच बीच में वो भी निशान यहाँ मौजूद हैं जहाँ पे हम लोग आने से पहले हम लोग लगा के गए थे कि जंगल में घुसने के बाद कहीं हम भटक ना जाए, क्योंकि ये देख सकते हैं चारों तरफ का जो इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ है। किसी न किसी तरह से हम लोग यहाँ पहुँच गए, हमें बिल्कुल भी नहीं था पता कि यहाँ पे जाने का रास्ता है या कुछ है।